हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हेल्दी बी यमी बी बाय पायल घई। फ्रेंड्स, आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फर्दर नोटिफिकेशन के लिए आप इस बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। वेलकम फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे हम सबकी फेवरेट चाट की रेसिपी, जो टेस्टी भी है। हम इस टेस्टी चाट को फ्रेंड्स सर्व करेंगे बहुत ही हेल्दी पालक की कटोरी में। तो फ्रेंड्स, आइए बनाना स्टार्ट करें इस हेल्दी और यम्मी रेसिपी को, जिसका कि नाम है पालक कटोरी चाट। फ्रेंड्स, ये पालक टोकरी चाट बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे लेंगे 1 से 1.5 कप मैदा। यहाँ पे मैंने पालक लिया है, जिसे मैंने अच्छी तरह से ब्लांच किया है और उसके बाद मैंने इसकी एक फाइन प्यूरी तैयार की है। इसको हम एक डो के फॉर्म में रेडी करेंगे। थोड़ी थोड़ी करके पालक हम इसमें ऐड करेंगे। इसमें हमें एक्स्ट्रा पानी डालने की इसमें ज़रूरत नहीं है, ना ही हम इसमें नमक ऐड करेंगे, क्योंकि जब हमने पालक बॉईल करी थी तो उसमें नमक ऐड किया था और पालक में ऑलरेडी थोड़ा नमक रहता है, तो इसलिए आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग बिल्कुल ध्यान से उसमें ऐड कीजिएगा। में धीरे धीरे ऐड करिएगा पालक और साथ में इसे प्रॉपर, जैसे हम अपना सॉफ्ट एक डो तैयार करते हैं वैसे ही हमें इसे रेडी करना है। डो हमारा बिल्कुल रेडी हो गया है, इसमें थोड़ा सा ऑयल ग्रीस करके हम इसे सेट करेंगे। फ्रेंड्स, ये डो हमारा बिल्कुल रेडी हो गया है। अब हम इसकी यहाँ पे अपने लिए एक रोटी की तरह इसको हम रोल करेंगे। बॉल साइज हम यहाँ से लेंगे इसका, थोड़ा सा यहाँ पे आप प्लेन मैदा इसके ऊपर डस्ट कर लीजिए। इसको सारी साइड से इक्वल हमें रोल करना है, ज़्यादा पतला भी इस हमें से रोल नहीं करना और ना ही ज़्यादा थिक। यहाँ पे हमने इसको अच्छे से रोल कर लिया है। अब मैंने यहाँ पे एक कटोरी ली है मीडियम साइज, आप अपने अकॉर्डिंग किसी भी साइज़ की किसी भी शेप की कटोरी आप ले सकते हैं। अब हमें इस कटोरी को इस रोटी से अच्छी तरह से कवर करना है। फ्रेंड्स, ये हमने अपनी कटोरी को अच्छे से कवर कर लिया है। अब ये जो इसका एक्स्ट्रा पोर्शन है, आप इसे हाथ से या एक नाइफ की हेल्प से आप इसे रिमूव कर लीजिए। ऐसे धीरे धीरे प्रॉपर शेप करते हुए आप इसे अपने हैंड्स से रिमूव कीजिए। फ्रेंड्स, अब आप इसे एक फोक से थोड़ा थोड़ा प्रिक कर लीजिए। ये आप बनाने के बाद भी ऐसे कर सकते हैं, अदरवाइज़ जब आप इसको रोल कर रहे हैं तब भी आप इसे कर सकते हैं। ऐसा करने से जो हमारी ये कटोरी है ये फूलेगी नहीं पूरी की तरह। अच्छे से सब जगह पे प्रॉपर आप इसे कर लीजिए। ये देखिए, हमने यहाँ पे इसे फोक से अच्छे से प्रिक कर लिया है।
अब मैंने यहाँ पे ऑयल को थोड़ा सा पहले से ही हॉट करा है, इसमें हम फ्रेंड ये हमारा ऑयल यहाँ पे हॉट हो चुका है, इसे आप बिल्कुल लो फ्लेम पे इसे रखेंगे और बिल्कुल केयरफुली आपने इसको इसमें प्लेस कर देना है। इसे हमें यहाँ से अच्छे से फ्राई करना है बिल्कुल लो फ्लेम पे, बिल्कुल केयरफुली आपने इसको करना है क्योंकि ऑयल हमारा बहुत ही हॉट है। जैसे जैसे हमारी ये जो कटोरी है ये फ्राई होना स्टार्ट हो जाएगी, ये अपने आप जो हमने इसे कटोरी पे स्टिक किया उसे सेपरेट होना स्टार्ट हो जाएगी। आप देख सकते हैं साइड से ये सेपरेट होनी स्टार्ट हो गई है। ये देखिए फ्रेंड्स हमारी यहाँ से ये कितनी सेपरेट हो चुकी है, इस साइड से भी अच्छे से फ्राई होने के बाद ये यहाँ से सेपरेट हो जाएगी, फिर हम इसे फ्लिप करके दूसरी साइड से भी अच्छे से फ्राई करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स ये जो हमारी जो पालक की कटोरी है अच्छे तरह से फ्राई हो गई है, अब हम इसे बाहर निकाल लेंगे कढ़ाई से और फिर इसकी प्लेटिंग स्टार्ट करेंगे। अब हम इसे बाहर निकाल लेंगे कढ़ाई से और इसको ठंडा होने देंगे। फ्रेंड्स अब हम अपने पालक कटोरी की यहाँ पे प्लेटिंग स्टार्ट करेंगे, इसके लिए मैंने यहाँ पर एक बड़ा बॉयल आलू लिया है जिसे मैंने अच्छे से चॉप करा है, हम इसे इसके अंदर प्रेस करेंगे। इसमें हम सबसे पहले ऐड करेंगे एक चम्मच आलू, यहाँ पे मैंने बॉयल चिकपीस यूज़ करे हैं, आप चाहें तो इसमें ब्लैक चने भी आप यूज़ कर सकते हैं। एक चम्मच चिकपीस, एक चम्मच स्प्राउट, आप अपनी पसंद की कोई भी चीज़ इसमें ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे हम ऐड करेंगे हरी चटनी, यहाँ पे थोड़ी सी मीठी चटनी, अब मैं इसमें ऐड करूँगी दही, थोड़ा सा नमक, टेस्ट के अकॉर्डिंग आप ऐड कीजिए। लाल मिर्ची, थोड़ा सा यहाँ पे काला नमक, भुना हुआ जीरा पाउडर, यहाँ पे ऐड करेंगे थोड़ी सी सेव, एक चम्मच दही, थोड़ी सी मीठी चटनी हमारी, हरी चटनी, और यहाँ पे ऐड करेंगे अनार के कुछ दाने। ये हमारी पालक कटोरी चाट बिल्कुल रेडी हो गई है फ्रेंड्स, आप इसे ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा, साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मैं आपसे बहुत ही जल्द मिलूंगी एक और हेल्दी और यम्मी रेसिपी के साथ। टिल देन बाय एंड टेक केयर।